हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशन्स आज के इस वीडियो में हम फाइलम प्लाटी हेलमेंथीज से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अब तक एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं अगर आप पीजीटी टीजीटी एनवीएस केवीएस डी ट्रिपल एस बी जीआईसी एलटी ग्रेड इन जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आप थियोरी पोर्शन कितना भी पढ़ लें जब तक आप पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार तो एग्जाम्स में केवल सीक्वेंस चेंज कर दिए जाते हैं क्वेश्चंस के और क्वेश्चन सेम एज इट इज़ दे दिया जाता है इसलिए इन क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड तो फाइलम प्लैटी हेलमेन इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लैट वॉर्म्स के बारे में जिसमें आपके प्लेनेरियंस फ्लूक और टेप वॉम्स आते हैं तो सिस्टोसोमा को कॉमनली कहते हैं ब्लड फ्लूक जो कि एक डायजेनेटिक पैरासाइट है क्लास ट्रिमेटोडा का ये एक मेम्बर है डायजेनेटिक पैरासाइट होने की वजह से इसका प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा अदर ऑप्शंस की बात करें तो आपका जो लिवर फ्लूक है वो होता है फैशियोला हिपेटिका डॉग टेप को इकाइनोकोकस या हाइड्रेटेड वाम भी कहते हैं ये स्मॉलेस्ट टेप होता है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द फिनन ऑफ ऑटोटॉमी तो ऑटोटॉमी आपका एक रीजनरेशन प्रोसेस है जो प्लेनेरिया में देखा जाता है यानी कि आपके क्लास टर्बिलेरिया में स्पेसिफिकली देखा जाता है रीजनरेशन प्रोसेस जिसको ऑटोटॉमी कहते हैं इसमें बॉडी का पार्ट डिटैच हो जाता है और सेपरेट हो जाता है कुछ पर्टिकुलर रीजन से जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उस स्पेशलाइज सेल के ही पार्ट से बॉडी का पार्ट डिटैच होता है तो इस तरह का जो आपका रीजनरेशन प्रोसेस है ये प्लेनेरिया में भी देखा जाता है और स्टारफिश यानी कि इकैनोडरमेटा फाइलम में भी देखा जाता है इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेनेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज को थ्री क्लासेस में डिवाइड किया गया है पहला है क्लास टर्बिलेरिया दूसरा ट्रेमेटोडा और तीसरा है सिस्टोडा टर्बिलेरियंस यूजुअली नॉन पैरासिटिक होते हैं और फ्री लिविंग वॉर्म्स होते हैं जिनको प्लेनेरियंस कहते हैं एग्जाम्पल है आपका डुजेसिया और बाइपेलियम वहीं ट्रिमेटोडा क्लास की बात करें तो ये एक्टो और एंडो पैरासाइट फॉर्म में होते हैं फ्लैट फॉर्म्स आते हैं इनके अंडर और इन्हें जनरली कहा जाता है फ्लूक्स इनमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है ये याद रखिएगा इनके एग्जाम्पल्स हैं डिप्लोजून फैशियोला और सिस्टोसोमा वहीं तीसरी क्लास है आपकी सिस्टोडा जिसमें आपके एंडोपैरासैटिक फ्लैट वाम्स आते हैं जिनको कहा जाता है टेप वाम्स ये स्पेसिफिक है आप सबके नाम्स क्लियर रखिएगा इनमें एलिमेंट्री के नाम नहीं होते हैं ये बहुत ही डिस्टिंक्ट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें आपके आते हैं टीनियासोलियम इकाइनोकोकस तो ये हैं इनके एग्जाम्पल्स तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एलिमेंट्री केनाल इज एबसेंट इन तो अभी हमने देखा तो क्लास सिस्टोडा में एलिमेंट्री केनाल नहीं होता है क्योंकि ये जनरल बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिशन ले लेते हैं होस्ट के बॉडी से इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी सिस्टोडा विच वन ऑफ द फीचर इज नॉट सीन इन टर्बिलेरियंस तो क्लास टर्बिलेरिया के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं प्लेनेरियंस जिनके एग्जाम्पल्स हैं आपके डुजेसिया बाईपेलियम तो इनकी जो स्पेसिफिक uh, फ़ीचर है वो है आपकी सीलिएटेड एपिडर्मिस ये प्रेजेंट होता है जनरली uh, बाइसेक्शुअल होते हैं ये भी करेक्ट है रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है ये भी सही है ये राउंडेड बॉडी नहीं होते हैं क्योंकि फाइलम एस्खलमथी इसमें होते हैं आपके राउंड वाम्स जिनकी बॉडी होती है राउंडेड इसमें फ्लैट वाम्स आते हैं जिनकी बॉडी फ्लैट uh, होती है चिपटी होती है इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर

इकाइनोकोकस टर्बिलेरिया तो ये भी रॉन्ग है इकाइनोकोकस आपका क्लास सिस्टोडा का ही मेम्बर है ऑप्शन सी सिस्टोसोमा ट्रिमेटोडा ये पॉइंट करेक्ट है ऑप्शन डी प्लेरिया सिस्टोडा ये भी रॉन्ग है प्लेनेरियंस आपके टर्बिलेरियंस में आते हैं ठीक है इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिस्टोसोमा बिलोंग्स टू क्लास ट्रिमेटोडा मीसो डरमल टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन इन फ्लैट वॉम इज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पैरनकाइमा पैरनकाइमा म्यूसोडर्मल टिश्यू होता है जो स्पेस uh, फिल करता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड फ्लैट वॉर्म्स वहीं आपका जो बोट्राइडल टिश्यू है ये भी स्पेशल तरह का टिश्यू है जो कि लीच यानी कि हिरुडिनेरिया में फाउंड होता है इसलिए इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा विच वन ऑफ दीज इज़ अ कैरेक्टर ऑफ प्लाटी हेलमेंथीस तो हमें प्लाटी हेलमेंथीज फाइलम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसे हमें मैच करना है तो आपके uh, जो पायलम प्लाटी हलमिनथीज है ये बाइलेट्रल सिमेट्री के होते हैं यानी इनकी बॉडी को एक प्लेन से दो आइडेंटिकल हाफ में यानी लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड किया जा सकता है ये प्रोटोस्टोमेट्स होते हैं यानी कि इनका जो ब्लास्टोपोर होता है वो माउथ का फॉर्मेशन करता है ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यानी इनमें ऑर्गन देखी जाती है सूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है यानी कि सेगमेंटेशन तो होता है यानी बॉड बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं लेकिन वो फॉल्स सेगमेंट्स होते हैं क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड नहीं होते हैं सिर्फ आपको एक्सटर्नली ही सेगमेंटेशन दिखेगा तो इस तरह के सेगमेंटेशन को कहते हैं सूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन और ट्रिप्लोप्लास्टिक uh, होते हैं यानी इनमें आपको एक्टोडर्म मिसोडर्म और एंडोडर्म ये तीनों जर्माइनल लेयर्स देखे जाते हैं तो जब हम मैच करेंगे तो आपका रेडियल सिमेट्री पहला ही आपका पॉइंट जो है वो रॉन्ग है और बी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा द कैरेक्टर ऑफ प्लाटी फ्रॉम द ऑप्शन इज ट्रिपलोब्लास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लेम सेल्स आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ तो प्लाटी हेलमेंथीस के मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लेम सेल्स जिन्हें सोलिनोसाइड्स से या प्रोटोनिफ्रीडिया भी कहते हैं इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा प्लाटी हेलमेंथीस एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैटवॉम इज अ तो फ्लैट वॉम्स में आपका ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो बोथ माउथ और एनस की तरह वर्क करता है यानी इंजेशन और एक्सक्रीशन दोनों वर्क होता है मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटोस्टोमेट्स ग्रुप में आते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर्स सिर्फ और सिर्फ माउथ का फॉर्मेशन करता है इनमें एनस नहीं होता है क्योंकि आपके एलिमेंट्री केनाल के एबसेंट होने की वजह से जो इनका फूड का अब्जॉर्बशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाता है और एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसको फ्लेम सेल्स सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनिफ्रीडिया कहते हैं तो ये एक स्पेशलाइज फिन है या कैरेक्टर है तो एबसेंस ऑफ एनस इन फ्लैटफॉर्म इज अ स्पेशलाइजेशन ऑप्शन सी द टेप वॉर्म ऑब्जॉर्ब्स फूड थ्रू तो टेप में फूड का ऑब्जॉर्ब जनरल बॉडी सर्फेस से होता है ऑप्शन डी फ्लेम सेल्स आर तो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं ऑप्शन बी इन विच पैरासिटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट तो आपका क्लास ट्रिमेटोडा में जिसमें आपके फ्लूक्स रखे गए हैं तो उसमें आपका इंटरमीडिएट होस्ट डेफिनेटली आपका स्नेल होता है इंटरमीडिएट होस्ट आप एग्जाम्पल देखें तो सिस्टोसोमा में आपका डायजेनेटिक पैरासाइट है इसमें आपका प्राइमरी होस्ट मैन है तो सेकेंडरी होस्ट स्नेल है वही फैशियोला देखें तो फैशियोला में भी आपका प्राइमरी होस्ट शीप है तो आपका सेकेंडरी होस्ट यानी इंटरमीडिएट होस्ट अगेन स्नेल है तो ये आपका आंसर होगा स्नेल एक इंटरमीडिएट होस्ट का रोल प्ले करता है ट्रेमेटोडा में ऑप्शन डी तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स से ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं आपका वही सिलेबस होता है उन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं बस थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन नया बना लिया जाता है तो अगर आप चीज़ों को इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे और एक बार थियोरी पढ़ने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए क्वेश्चन का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शेल ग्लैंड तो इस शेल uh, ग्लैंड को मेहलीस ग्लैंड भी कहा जाता है शेल ग्लैंड कहने के बावजूद भी इनका कोई रोल नहीं होता है सेल फॉर्मेशन में मेहलीस ग्लैंड या शेल ग्लैंड से ऐसा सेक्रीशन निकलता है जो यूट्रस को लुब्रिकेट करता है ताकि आसानी से एग का पैसेज हो जाए और फिर स्पोम्स के एक्टिवेशन में यह हेल्प करता है यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है अ शेल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एसेसरी फीमेल ग्लैंड इन फेस्योला हिपेटिका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अ शेल ग्लैंड इज़ अ रीनल ऑर्गन एंड मॉडिफाइड सीलोमोडक्ट इन क्रस्टेशी तो पहला पॉइंट हमारा प्लाटी हेलमेंथीस के केस में था इसलिए ये रेलिवेंट था ये एक एसेसरी फीमेल ग्लैंड है नेक्स्ट uh, पॉइंट भी करेक्ट है शेल ग्लैंड क्रस्टेशी आधुपोडा की क्लास क्रस्टेशी में भी होता है जिसे रीनल ऑर्गन कहते हैं और ये डक्ट का मॉडिफिकेशन होता है तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है ऑप्शन सी देखते हैं अ शेल ग्लैंड इज मोलस्कन ऑर्गन ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है फाइलम्बोलस्का में भी शेल ग्लैंड होता है जो शेल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है तो इस तरह से आपका ए बी एंड सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द बाउ अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन द रीजन फॉर द मीजली पोर्क फ्लैश इज द तो मीजल्स आपका एक डिसीज है जिसको पोर्क की मीट को फीड करने की वजह से होता है पोर्क की मीट यानी कि पिग की मीट को खाने से होता है तो पिग के मीट में मीजल्स डिसीज़ के सिम्टम्स देखे जाते हैं जो कि सिस्टी लार्वा की वजह से होता है पिग के मीट में आपका सिस्टी लार्वा होता है जिसकी वजह से ये मीजल्स डिसीज़ होती है टीनिया सोलियम जिसे पोर्क टेप वाम कहते हैं इसमें आपके डायजेनेटिक पैरासाइट है इसमें आपके प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट दोनों होते हैं प्राइमरी होस्ट ह्यूम्स है और सेकेंडरी होस्ट है आपका पिग तो इसमें आपके सिस्टी लार्वा लावा लार्वा ये सभी लार्वा पाए जाते हैं आपके टीनिया सोलियम में जो हैक्सा कैंथ लारवा है ये पिग के स्ट्राइट मजल्स में सेटल हो जाने के बाद से अपने आप को ब्लैडर वॉर्म या जिसे सिस्टिसरस लार्वा कहते हैं उसमें अपने आप को ये कन्वर्ट कर लेता है इसके बाद जब इसी पिग के मीट पर कोई भी मैन फीड करता है या खाता है तो ये इन्फेक्शन आपका जो है सिस्टिरस लार्वा का बॉडी में आ जाता है मैन के और यही सिम्टम्स शो करता है मीजल्स डिसीज़ का इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी The reason for the पोर्क pork flesh is the presence of सिरस larva. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा तो इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को ट्विस्ट करके ही नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं मैंने जितने पॉइंट्स बताए क्वेश्चंस इन्हीं से फ्रेम होते हैं तो so, आप को मेरी एडवाइस है कि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो फिर आपके लिए फिर एक बड़ा हेडेक ना हो कि आपको पूरा थियोरी देखना है आपके लिए बहुत ही इजीली शॉर्ट नोट्स में ही आप पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लें तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चिल्डेन टेक केयर एट गुड बाय